Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 16th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्डाइन. कॉन्डाइन का मतलब होता है जस्टिफाई करना या हम कहते हैं प्रूव करना, मतलब अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ बताना. ओके, देन कॉन्डाइन से हम याद रखेंगे कौन से हिंदी वाला कौन. कौन साउंड्स लाइक हिंदी वाला कौन एंड डाइन साउंड्स लाइक जो हम चुड़ैल या डाइन कहते हैं उससे हम याद रखेंगे. डायन जो कहते हैं हम वो, तो हम बोलेंगे कि कौन डायन है ये जस्टिफाई करो, ये बताओ कौन डायन है, मतलब जस्टिफाई करना. डिजर्व मतलब हम पात्र है कि हमें बताना चाहिए. ओके, मतलब हमें पूरा अधिकार है कि हमें पता होना चाहिए, मतलब जस्टिफाई होना चाहिए. देन बोर्ड. बोर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस. फोकास्ट, फॉरटेल मतलब कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. ओके, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. प्रॉमिस मतलब किसी चीज़ को लेके प्रॉमिस करना कि हाँ मैं फ्यूचर में वो करूँगी ही या करूँगा ही. तो मतलब हम फोरकास्ट भी कर रहे हैं इसी बहाने. तो फोकास्ट या फॉरटेल मतलब प्रेडिक्ट, मतलब भविष्य बताना. ओके, देन बोर्ड से हम याद रखेंगे बोर्ड साउंड्स लाइक बोल. तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर को बोल रहे हैं कि बोलो या बोल, मतलब आप बताओ हमें फ्यूचर के बारे में, प्रेडिक्ट करो. पोर्टेंट से हम याद रखेंगे पोर साउंड्स लाइक पर, हिंदी वाला पर, और टेंट साउंड्स लाइक किसी चीज़ पर वो टेंड हो रहा है, मतलब बेंड हो रहा है. ऐसे याद रखो, टेंड साउंड्स लाइक बेंड, मतलब वो फ्यूचर की तरफ बेंड हो रहा है. पर वो फ्यूचर की तरफ बेंड हो रहा है, वो अभी की नहीं सुन रहा है या नहीं मान रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे. देन ऑगर से हम याद रखेंगे हम उन्हें और गुड़ देने वाले हैं, मतलब जैगरी. गुड़ साउंड्स लाइक गुड़ या जैगरी, मतलब जैगरी. और हम बोल रहे और, तो ओ साउंड्स लाइक और, हम जैगरी देंगे. तो मतलब हमने फ्यूचर की बात की, प्रेडिक्ट किया, फोकास्ट किया या फोरटेल किया. फोर से हम याद रखेंगे फ्यूचर, और उसके बाद हमने कास्ट किया, टेल किया, मतलब हमने बताया. देन लिंगर. लिंगर का मतलब होता है वैसे ही रहने देना, मतलब रिमेन या स्टे. ओके, रहने देना. तो लिंगर से हम याद रखेंगे घर पे. घर साउंड्स लाइक घर. घर पे लीन, कोई भक्ति में लीन हो रहा है, ऐसे याद रखो. लीन मतलब मग्न हो रहा है. तो घर पे कोई भक्ति में लीन हो रहा है तो वो घर पे ही रहेगा उस वक्त, राइट? मतलब वो इस किसी पर्टिकुलर जगह पे ही ठहरा रहेगा, मतलब वो घर पे ही ठहरा रहेगा जब तक प्रेयर्स पूरी नहीं हो जाती. देन डॉडल. डॉडल से हम याद रखेंगे डॉडल साउंड्स लाइक डॉन. डॉ साउंड्स लाइक डॉन, और डल साउंड्स लाइक वो डल हो गया है, मतलब वो वीक हो गया. मतलब कोई डॉन वीक हो गया तो वो घर पे ही रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, स्टे रहेगा, स्टे करेगा. देन लॉइटर. लॉइटर साउंड्स लाइक लाइटर, जो हम गैस शुरू करते वक्त या स्टोव शुरू करते वक्त लाइटर यूज़ करते हैं, तो हम उसे घर पे ही छोड़ते हैं, ना कहीं लेके जाते हैं, मतलब हम उसे स्टे करने देंगे घर पे ही या एक ही जगह पर. तो लिंगर मतलब रिमेन या स्टे, उससे हम याद रखेंगे घर पे कोई भक्ति में लीन है. देन डीरोगेटरी. डीरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्ट करना या डिस्परेज करना. डीरोगेटरी से हम याद रखेंगे कि कोई पर्टिकुलर रोग, मतलब डिजीज, रोग जो है वो गेट से अंदर आ रहा है.
एक कोई रोग है जो गेट से अंदर आ रहा है, तो हमें ओवरसी डिस्परेज फील होगा, मतलब बी लिटिल हम फील करेंगे, मतलब वीक फील करेंगे या छोटा फील करेंगे, मतलब हम इंसल्टिंग फील करेंगे क्योंकि उसने हमें रोग दे दिया। जो डिजीज़ है वो हमें ही ट्रांसफ़र हो गया। देन डिस्परेजिंग से हम याद रखेंगे, परेज साउंड्स लाइक पराग। तो जो हम चॉकलेट खाते हैं सपोज पान पराग, तो हम उससे याद रखेंगे कि हमें परहेज़ किया गया है। परहेज साउंड्स लाइक परहेज़ ऑल्सो, पान पराग खाने के लिए हमें परहेज़ किया गया है क्योंकि हम डीरोगेटरी है फ़िलहाल, हमें डिजीज़ हो गया है। एक्सियोमेटिक का मतलब होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल, मतलब अनडाउटफुल, जिसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने आज बोला कि मैं आज आऊँगी या आऊँगा, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेबल है, वो अनडाउटफुल है, अनक्वेश्चनेबल है, पता है कि आने ही वाला है या आने ही वाली है। एक्सियोमेटिक से हम याद रखेंगे, एक्सियो साउंड्स लाइक एग्ज़ाम एंड मेटिक साउंड्स लाइक मीट। एग्ज़ाम में हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते ही है, तो वो कैसी चीज़ है, ओबियस है कि एग्ज़ाम में सभी लोग या फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलेंगे। सेल्फ एविडेंट है, मतलब हमने खुद एविडेंस किया है, राइट, मतलब हमारे आंखों के सामने हमने देखा है उसे। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ओबियस है। जैसे मैंने कहा कि कल मैं आऊँगी, तो किसी ने वो बात मान ली कि हाँ आने वाली है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। देन रीड एक्ट, रीड एक्ट से हम, रीड एक्ट का मतलब होता है करेक्ट, तो उससे हम याद रखेंगे, रेड को अलग कर देंगे, एक्ट को अलग कर देंगे। रेड मतलब जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उस मिस्टेक पर जनरली टीचर हमें रेड मार्क से ऐसे रॉन्ग कर देती है और फिर हम लेंगे एक्ट। तो जो रेड मार्क से मिस्टेक की गई है उससे हम करेक्ट करेंगे, मतलब हम उस पर एक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, उसे रिपेयर करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई से याद रखो कि फ़ी देकर, फ़ी से हम याद रखेंगे फीस, फीस देकर किसी रेक्टेंगल को हम सीधा कर रहे हैं। मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं। देन टीजी का मतलब होता है एनॉय, मतलब चिड़चिड़ा। तो टीजी से हम याद रखेंगे, टाई साउंड्स लाइक दिस टाई, जो हम गले में बांधते हैं। एंड जी साउंड्स लाइक लेजी, तो कोई लेजी, इतना लेजी है कि वो टाई बांध कर ही बैठा हुआ है, उसने निकाली ही नहीं, मतलब वो क्या हो गई, अनोइंग सिचुएशन हो गई, डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन हो गई। देन फ्लैप साउंड्स लाइक स्लैप, मतलब थप्पड़ मारना। तो कोई फ्लैप पर, यहाँ पर है एफ, तो हम याद रखेंगे फ्लैग, इस इट साउंड्स लाइक फ्लैग ऑल्सो। तो कोई फ्लैग ले, फ्लैग लैप में लेके बैठा है, मतलब फ्लैग जो है गोद में लेके बैठा है, तो किसी ने उस पर स्लैप कर दिया क्योंकि वो एनॉय हो गया देखकर। क्योंकि फ्लैग तो लैप में रखने वाली चीज़ नहीं है, गोद में रखने वाली चीज़ नहीं है, तो कोई भी एनॉय हो जाएगा। डीथर, डीथर से हम याद रखेंगे, डीथर से हम याद रखेंगे, डी साउंड्स लाइक वो डिसकरेक्ट, मतलब थर्मोमीटर जो है, थर से हम याद रखेंगे, थर्मोमीटर डिसकरेक्ट रीडिंग दे रहा है। मतलब वो एनोइंग सिचुएशन है किसी भी डॉक्टर या नर्स के लिए या हमारे लिए भी। सो बीइंग अ पेशेंट, थर्मोमीटर हमें डिसकरेक्ट रीडिंग दे रहा है, तो ओबियसली हम एनोय हो जाएंगे। देन इफेमरल, इफेमरल का मतलब होता है टेम्प्रेरी या शॉर्ट लाइफ। टेम्प्रेरी मतलब वो एकदम शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए हो, दैट इज एफेमरल या टेम्प्रेरी। एफेमरल से हम याद रखेंगे कि कोई फेम पाने के लिए मर गया, फेम पाने के लिए मर गया, तो वो तो मर ही चुका है।
तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसने फेम पाई, ओके, तो वो हो गया टेम्प्ररी। फ्लीटिंग से हम याद रखेंगे, किसी ने अपनी फीट रखे, पैर रखे, कदम रखे और रिंग बज गई, इंग साउंड्स लाइक रिंग, तो वो चला गया, मतलब वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आया और चला गया। ट्रांजिएंट से हम याद रखेंगे, ट्रांजिएंट से हम याद रखेंगे ट्रांस, ट्रांस साउंड्स लाइक ट्रांसफर, ओके, एंड इंट साउंड्स लाइक रेंट, तो किसी की ट्रांसफर हो गई और वो रेंट पे रहने लगा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है, इसलिए उसने घर नहीं खरीदा, उससे हम याद रखेंगे ट्रांजिएंट, ट्रांसफर एंड रेंट, ट्रांजिएंट से हम याद रखेंगे। देन वैलेडिक्ट्री, वैलेडिक्ट्री का मतलब होता है गुड बाय, किसी को उसको पहुँचा कर देना उसके डेस्टिनेशन पर, उसको जाने के लिए फेयरवेल, जो हमारे स्कूल कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है हम स्कूल या कॉलेज छोड़ने से पहले, डिपार्टिंग, कोई ट्रेन या बस डिपार्ट हो रही है, इसे हम याद रखेंगे। अक्सर लोगों को अराइवल और डिपार्टमेंट में कन्फ्यूजन होता है, अराइवल से याद रखेंगे अराइव हो रहा है कोई, डिपार्ट से हम याद रखेंगे कोई डिपो से पार्ट हो रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है, पार्ट हो रहा है मतलब वो अलग हो रहा है, मतलब वो जा रहा है, ओके। लीव टेकिंग, कोई लीव इसलिए लेता है क्योंकि हमें कहीं जाना होता है या हम बीमार हैं तो हम घर पे रहेंगे, मतलब ऑफिस में हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, दैट इज़ गुड बाय वाली सिचुएशन या लीव टेकिंग वाली सिचुएशन। वैलेडिक्ट्री से हम याद रखेंगे वेल, इट साउंड्स लाइक वेल, और डिक्ट्री साउंड्स लाइक डिक्शनरी, ओके, तो डिक्शनरी जो है वो वेल में गिर गई, मतलब वो गुड बाय हो गई, वो चली गई, एक बार कुएं में गिर गई तो वो नहीं मिलने वाली अब, ओके, उससे हम याद रखेंगे। क्रीडेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज़ को, या बिलीफ रखना उसके ऊपर, मतलब ही हम एक्सेप्ट भी कर रहे, क्लेम करना, मतलब कि मैं क्लेम करी कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, ये पर्टिकुलर एस्पायरेंट ज़रूर सिलेक्ट होगा, मतलब मैं दावा ठोक रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज़ को। अथॉरिटी मतलब अथोराइज करना, मतलब एक किसी को अथोराइज कर देना, मतलब उसको परमिशन दे देना, ओके, मतलब एक्सेप्ट करना। क्रीडेंस से हम याद रखेंगे, क्री से हम याद रखेंगे, क्री साउंड्स लाइक क्रिएट, एंड डेंस साउंड्स लाइक डांस, किसी ने डांस क्रिएट किया और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि डांस वॉज, क्योंकि डांस इज़ रियली क्रिएटिव, तो ऑब्वियसली कोई भी उसे एक्सेप्ट करेगा, या क्रिएटिव भी आप याद रख सकते हो क्रिएट को, दैट इज क्रीडेंस मतलब एक्सेप्ट। तो ये थे आज के हमारे 16th जुलाई 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।